नहीं, वहां एक पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हो गए। इस हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले 10 मजदूर घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। फैक्ट्री में हुए धमाकों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। फैक्ट्री से उठ रही आग की ऊंची लपटों ने लोगों को दहशत से भर दिया। धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया और इसके साथ ही एक के बाद एक धमाकों से आसपास का इलाका थर्रा गया। फैक्ट्री में लगी आग को काफी दूर से भी देखा जा सकता था। ऐसा लगने लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। यही वजह रही कि फैक्ट्री से दूर रहने वाले लोग भी डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। कारखाना आग लगी। बताया गया कि लगातार हो रहे धमाकों की वजह से दमकल कर्मी भी काफी देर तक आग बुझाने के लिए फैक्ट्री के नजदीक नहीं जा सके और इस वजह से आग फैलती चली गई, जिसे बाद में बुझा पाना दमकल कर्मियों के लिए भी मुश्किल हो गया। हालांकि उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद इस आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक इस फैक्ट्री का नामोनिशान मिट चुका था। उसकी दीवारें ढह गईं, छतों के टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों तरफ मलबा बिखर गया। फैक्ट्री में खड़ी कई गाड़ियां भी इस आग में झुलस गईं। पूरे इलाके में जो फैक्ट्री के परकच्छे थे वो यहाँ पे फैले हुए। आग बुझने के काफी देर बाद भी वहाँ से चिंगारी निकलती रही। चारों तरफ फैली राख से भी धुआं घंटों तक उठता रहा। सौबात की एक बात है कि पटाखे और आतिशबाजी के सामान बनाने वाले कारखानों में विनाश के लिए छोटी सी चिंगारी काफी होती है, जो कई बार लोहे का कोई सामान फर्श पर रगड़ने से भी निकल सकती है। और पालघर में भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से आग लगी और बारूद जलने से धमाके कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए। और अगर ये फैक्ट्री हाईवे से दूर जंगलों में न होती तो यह हादसा बेहद खौफनाक भी हो सकता था।